हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस बायोलॉजी सीरीज चैप्टर नंबर 9, और इसका पार्ट 2 वीडियो है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका विभाजन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कोशिका की संरचना में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, और जहाँ जहाँ नीड मेरे को लगेगी मैं उसको थोड़ा सा भी यहाँ पर रिवाइज़ करा दूँगा। तो देखिए, कोशिका विभाजन नाम से ही हमको पता चल रहा है कि सेल्स आर डिवाइडेड, मतलब कोशिकाओं में विभाजन हो रहा है। अब कोशिकाओं में विभाजन का सीधा सा मतलब है कि एक कोशिका विभाजित होकर दो, दो कोशिका विभाजित होकर चार, चार कोशिका विभाजित होकर आठ, इस प्रकार से विभाजित होकर अपनी संख्याओं को बढ़ा रही हैं। अब एक पॉइंट आप लोग जानते हैं कि हमारे इस जीव जगत में, एनिमल किंगडम में, ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सभी जो जीव हैं वो या तो एक कोशिका या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था, जो हम कोशा थ्योरी पढ़ी थी, सेल थ्योरी पढ़ी थी, वहाँ हमने इसको समझा था। तो प्रत्येक जीव या तो एक कोशिका या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना हुआ है। यदि किसी जीव में केवल एक कोशिका है तो उसको एक कोशिकीय जीव बोलते हैं, और यदि किसी जीव में एक से अधिक कोशिकाएँ हैं तो उसको बहु कोशिकीय जीव बोलते हैं। और हम लोग ह्यूमंस किस में आते हैं? बहु कोशिकीय जीव में आते हैं। और एक कोशिकीय जीव में आते हैं जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये आते हैं एक कोशिकीय, सिंगल सेल एनिमल्स में आते हैं या यूनिसेलुलर एनिमल्स में आते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारी शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएँ हैं, ट्रिलियंस, लगभग ये अनुमान है कि लगभग 2 ट्रिलियन कोशिकाएँ हमारे शरीर में मौजूद हैं। और ये कोशिकाएं अलग अलग काम कर रही हैं। जैसे हमारे, मान के चलिए, ब्रेन में जो कोशिकाएं हैं उनका काम है कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन करने का, जिसको हम लोग नर्व सेल बोलते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कोशिकाएं हैं उनका काम है पाचन में मदद करने का। ठीक है, तो इस प्रकार से कई प्रकार की कोशिकाएं एक मानव के अंदर मिलती हैं। और हम ये भी जानते हैं कि कोशिकाओं के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस लगातार चलती रहती हैं। तो जब कोई किसी सेल के अंदर इतनी सारी प्रोसेस चलेंगी तो कोई ना कोई समय तो आएगा जब उस सेल की डेथ हो जाएगी। तो जब हम लोग जन्म लेते हैं तब से और जब हमारी मृत्यु होती है तब तक हमारे शरीर में लगातार बायोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। तो इसका मतलब यह है कि लगातार सेल की डेथ भी होती है। तो हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं की संख्याओं को मेंटेन रखने के लिए कोशिकाएं विभाजित भी होती हैं। और एक ऐसा अनुमान बताते हैं कि 24 घंटे के अंदर, जैसे हमारी जो स्किन है, 24 घंटे के अंदर लगभग ये 2 मिलियन कोशिकाएं बार बार रिप्रोड्यूस हो जाती हैं, मतलब एक सेल डिवाइड होकर दूसरी सेल बना देती है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारी खाल जो है, नई खाल आ रही है, हमारी जो स्किन है वो न्यू स्किन बन रही है। तो ये डेली लाइफ लॉन्ग की प्रोसेस है, सेल आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग। ठीक है, अब एक पॉइंट समझिए कि जब सेल डिवाइड होगी तो एक सेल के पास जितना भी मटेरियल है वो सब दूसरी सेल के पास भी होना चाहिए। जैसे आप लोग जनरल भाषा में अगर समझें तो, जैसे मान के चलिए कि कोई एक बूढ़ा आदमी है और उसके 2 बेटे हैं, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को जब बांटता है तो इक्वली डिवाइड करता है कि दोनों बेटों के पास सारे सामान आधे आधे आ जाएं, ताकि वो दोनों अपना जीवन यापन कर लें। ऐसे ही जब एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिका बनाएगी तो दोनों कोशिकाओं में वो सब मशीनरी होनी चाहिए जिससे वो अपना जीवन चला लें। और हम लोग जानते हैं कि कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, एक ऑटोनोमस यूनिट है, जो अपना जीवन खुद निर्वाह कर सकती है। ठीक है, अब एक पॉइंट देखिए कि हमारे शरीर में कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं, इसको हम लोग डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे हम लोग अपने नेल्स काटते हैं और एक कुछ टाइम इंटरवल के बाद वो नेल्स, वो नाखून दोबारा बढ़ जाते हैं, इसका मतलब कोशिकाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। और हम अपने जीवन भर हम क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। जैसे हम लोग बचपन में छोटा आकार है हमारा, और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, किशोर अवस्था में आते हैं, हमारे शरीर का आकार भी बड़ा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे शरीर का आकार बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोशिकाओं का आकार बढ़ गया है, नहीं, कोशिकाओं का नंबर बढ़ गया है। नंबर ऑफ सेल गेट इंक्रीजेस, दैट्स वाई द साइज ऑफ बॉडी इंक्रीजेस। एक पौधा छोटा है तो उसमें कम कोशिकाएं हैं, और एक पौधा पूरा बड़ा हो चुका है तो उसमें ज़्यादा कोशिकाएं हैं। सीधी सी बात है कि बचपन में
हमारा ह्यूमन अगर कोई मानव बच्चा है तो उसमें कम कोशिकाएं होंगी, और एक फुली डेवलप्ड ह्यूमन होगा, मैन होगा, उसमें ज़्यादा कोशिकाएं होंगी। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए कि इन कोशिकाओं को डिवाइड होने का सिग्नल कहाँ से मिलता है कि हाँ अब समय आ गया है कि इसको डिवाइड होना चाहिए और अब समय आ गया है कि अब इसको स्टॉप हो जाना चाहिए। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने अब ये डिस्कस कर रहा हूँ कि कोशिकाओं को ये सिग्नल कहाँ से मिलता है कि सेल को विभाजित होना है, कोशिका को विभाजित होना है। एक प्रोटीन है जो केमिकल मैसेंजर का काम करती है, जो कोशिकाओं को बताती है कि नाउ दिस इज द टाइम यू शुड डिवाइड। अब ये टाइम आ गया है कि कोशिका को विभाजित होना चाहिए, और उस प्रोटीन का नाम है देखिए मैं यहां लिख देता हूं, उस प्रोटीन का नाम साइक्लिन है जो कोशिकाओं को बताता है कि कोशिका को विभाजित होना है और कब उसको स्टॉप हो जाना है। अब अगर मान लीजिए ये प्रोटीन, ये केमिकल अगर अवेलेबल नहीं हो, या कोई ऐसी हमारे शरीर में कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाए कि ये सिग्नल कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाए, तो वो कोशिका तो लगातार विभाजित होती रहेगी और उसकी संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी, तब उस बीमारी को बोलते हैं कैंसर। एक्चुअली में कैंसर जो बीमारी है वो क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को यहाँ मुंह का कैंसर हो जाता है, बहुत सारे लोग जो तंबाकू खाते हैं उनको मुंह का कैंसर हो गया। तो मुंह के कैंसर का मतलब है कि जो मुंह की कोशिकाएं हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि कोशिकाओं की मृत्यु होती है और नई कोशिकाओं का जन्म होता है, तो जितनी कोशिकाओं की मृत्यु हो रही है उससे ज़्यादा जन्म हो रहा है, मतलब कोशिका के ऊपर कोशिका बनती जा रही है और वहाँ पर गांठें बन जाती हैं, उसी को हम लोग कैंसर कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है साइक्लिन, इसका नाम आपको याद रखना है। अब देखिए हम लोग कोशिकाओं को न्यूक्लियस के आधार पर, मतलब जो न्यूक्लियस केंद्रक है उसके आधार पर दो भागों में बांटते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब है कि जिसमें विकसित केंद्रक नहीं है, और यूकैरियोट का मतलब है कि जिसमें विकसित केंद्रक प्रेजेंट है। हम लोग ह्यूमन किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं। प्रोकैरियोट्स में कौन आते हैं, वही बैक्टीरिया, अमीबा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब प्रोकैरियोट्स में आते हैं। ठीक है, मतलब प्रोकैरियोट्स में जो कोशिका है उसके अंदर केंद्रक नहीं है और यहाँ पर केंद्रक प्रेजेंट है, ऐसे समझ लीजिए। अब देखिए मैंने जब कोशिकाओं की संरचना जब हमने डिस्कस करी थी पार्ट वन वीडियो में इस चैप्टर के, तो मैंने आपको बताया था कि कोशिका के अंदर एक मैनेजर है जिसको हम लोग न्यूक्लियस या केंद्रक का नाम देते हैं, वो पूरी सेल को मैनेज करता है, और उस केंद्रक के अंदर एक छोटा सा केंद्रक जिसको हम लोग केंद्रिका बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, उसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलते हैं डीएनए, और डीएनए के साथ आरएनए भी पाया जाता है, प्लस क्रोमेटिन प्रोटीन भी पाई जाती है, जिसके पास पूरी इंफॉर्मेशन रहती है कि इस सेल को काम क्या करना है और कैसे काम करना है। हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जैसे बोलते हैं कि ये इसका चेहरा जो है अपने पिताजी से मिलता है, इसकी आंखें अपनी माँ पर गई हैं, मतलब क्या है कि हमारे शरीर की जो बनावट है उसकी जो सूचनाएं हैं वो हमको अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से मिलती है, और माता पिता से ये सूचनाएं हमें किसके थ्रू आई हैं, डीएनए के थ्रू आई हैं, और डीएनए और जो प्रोटीन है क्रोमेटिन, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं क्रोमोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पूरे चैप्टर को एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग जिसको बोलेंगे हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन, वहाँ पर हम लोग डीएनए की स्ट्रक्चर, आरएनए की स्ट्रक्चर, ये कैसे पूरी इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जितना ज़रूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो केंद्रक के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका, केंद्रिका के अंदर डीएनए और प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन, क्रोमेटिन प्रोटीन भी है साथ में, हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए प्रोटीन। तो डीएनए और हिस्टोन और क्रोमेटिन प्रोटीन मिलकर क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम बना देते हैं, और यही क्रोमोसोम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अच्छा हमारे अंदर मानव में कुल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम, या हम लोग बोल सकते हैं 23 पेयर, क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में पाया जाता है, तो 23 पेयर मतलब 23 × 2 = 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में जैसे देखिए ये मैंने एक प्रोकैरियोटिक कोशिका बनाई, ऐसी कोई कोशिका, इसके अंदर कोशा द्रव्य है, ये रहा,
और इसके अंदर न्यूक्लियस तो है नहीं, केंद्रक इसमें नहीं है, तो यहाँ पर जो डीएनए है वो ऐसे ही सिंगल सिंगल ऐसे पड़ा हुआ है, ये डीएनए यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो जब इस सेल को विभाजित होना होगा, जब इस सेल को विभाजित होना होगा तो ये अपनी सेल में डीएनए के सिंथेसिस को बढ़ा देगा, मतलब डीएनए ज़्यादा क्वांटिटी में कर लेगा। तो देखिए इस सेल के अंदर अब डीएनए हो गया ज़्यादा, मान लीजिए कुछ ऐसे, मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये डीएनए ऐसे हो गया और ये जीव द्रव्य है ही साइटोप्लाज्म। फिर क्या होगा कि ये अपोजिट पोल्स पे चला जाएगा, ये जो डीएनए मटेरियल था इस तरह से ऐसे ऐसे ये बढ़ गया और ज़्यादा हो गया। और फिर क्या होगा कि ये कोशिका कुछ इस तरह से डिवाइड होना स्टार्ट कर देगी, आधा डीएनए यहाँ और आधा डीएनए यहाँ। और फिर थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे कि ये कोशिका एक कोशिका दो कोशिका में बदल गई है। तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन या ए माइटोसिस। क्यों बोला हमने इसको ए माइटोसिस? वो इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पर कोई भी विविधता नहीं है, ये जो विभाजन हुआ है ये सब सिमिलर सेल हैं, मतलब ऐसे समझिए क्लोन हम लोग बोलते हैं ना, क्लोन, ये क्लोन है एक्चुअली में। एक कोशिका से हमने क्या किया, इसकी फोटोकॉपी करा के दो कोशिका बना दी, दो से फोटोकॉपी करा के चार बना दी। एक्चुअली में ये जो दो कोशिका, एक कोशिका से जो दो कोशिका बनी है ये आपस में कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, जो गुण इसमें है वही सेम गुण इसमें है। अब मैं यहाँ पे आइडेंटिकल वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, हमने इसमें नॉन आइडेंटिकल वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया? देखिए हमेशा याद रखना कि जहाँ पर क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, हम मैंने बताया आपको कि क्रोमोजोम पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो जब पेयर में क्रोमो, मान लीजिए एक क्रोमोजोम ये दूसरा क्रोमोजोम, जब ये आपस में पेयरिंग करते हैं, कॉन्जुगेशन करते हैं, तो कुछ गुण एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं, कुछ गुण एक दूसरे में ट्रांसफ़र होंगे, किसी में कुछ ज़्यादा जाएंगे किसी में कुछ कम जाएंगे। जैसे एक पिता के दो पुत्र हैं तो डेफिनेटली दोनों, अगर वो आइडेंटिकल ट्विंस नहीं हैं, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, तो दोनों में गुण क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है। तो यहाँ पर तो वो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ नहीं है, इसका मतलब ये कैसे हैं, ये आइडेंटिकल हैं, ये कोशिकाएं कैसी हैं, ये आइडेंटिकल है, क्योंकि क्रोमोसोम का कोई भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं यूकैरियोटिक सेल में। अब यूकैरियोट्स में, मतलब ह्यूमंस में, मैं जब भी यूकैरियोट की बात करूँ तो इसका मतलब ह्यूमन समझेंगे, यहाँ पर ह्यूमंस में 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, और हमारी प्रत्येक कोशिका में ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्योंकि हमारी जो कोशिका है, कोशिका के केंद्र में केंद्रक है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका है, और केंद्रिका के अंदर डीएनए प्लस क्रोमेटिन प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस आरएनए पाया जाता है। और जब ये कोशिका विभाजित होती है तो यही डीएनए हिस्टोन प्रोटीन मिलकर कंडेंस हो जाते हैं। एक्चुअली में ये डीएनए है क्या, थोड़ा सा समझिए, डीएनए एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, और इस डीएनए के पास ही पूरी इन्फॉर्मेशन कोड के रूप में स्टोर होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो इन्फॉर्मेशन आई है वो कोड की फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, और यही डीएनए अभी बिखरा हुआ पड़ा है न्यूक्लियोलस के अंदर, ये डीएनए बिखरा हुआ पड़ा है, लेकिन जब इसको पता चलता है कि सेल डिवाइड होने वाली है तो ये अपने बिखरे हुए सामान को क्या कर लेगा, पैक कर लेगा। अब ये कंडेंस हो जाएगा, अब कंडेंस होगा तो साथ में हिस्टोन प्रोटीन को भी जोड़ लेगा, तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बना देंगे, क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम है, हम लोग जानते हैं 23 पेयर्स हैं। अब जब ये सेल डिवाइड होगी तो ये क्रोमोसोम एक सेल से दूसरी सेल में भी जाएंगे, क्योंकि एक सेल के पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन दूसरी सेल के पास भी होनी चाहिए, जैसी पहली सेल थी वैसी ही दूसरी सेल होनी चाहिए। तो हमारे शरीर में, ह्यूमन सेल में, हम लोग रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी के आधार पर सेल को दो भागों में बांट देते हैं, मतलब जनन क्षमता के आधार पर। हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, सोमैटिक सेल और बीज कोशिका। सोमैटिक सेल को बोलते हैं कायिक कोशिका और बीज सेल को बोलते हैं जर्म सेल। अब ऐसे समझिए, हमारे शरीर में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो हैं स्पर्म, शुक्राणु, और फीमेल में होती हैं अंडा, जिसको ओव्यूल बोलते हैं, वो हैं जर्म सेल या सेक्स सेल। इनके अलावा जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सब सोमैटिक सेल हैं, वो सब कायिक कोशिकाएं हैं। अब एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर
हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो इन कोशिकाओं के थ्रू जाती है, इन कोशिकाओं के थ्रू जाती है, ठीक है। तो ये जो बीज कोशिकाएं हैं, बीज कोशिकाओं में इन्फॉर्मेशन डीएनए, डीएनए मतलब क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के थ्रू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। इनके अलावा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेल में क्या है, स्पर्म, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु, ठीक है, ये है जर्म सेल, और फीमेल में यह है ओव्यूल, जिसको बोलते हैं अंडाणु, अंडाणु, ये हैं जर्म सेल। इनके अलावा जितनी भी सेल हैं वो सब कैसी हैं, वो सोमेटिक सेल हैं। और मैंने आपको एक पॉइंट क्लियर किया था कि हमारी कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो जितनी भी सोमेटिक सेल हैं उन सब में कितने क्रोमोसोम हैं, 46 क्रोमोसोम। लेकिन हमारी जो जर्म सेल हैं इनमें होते हैं 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम। अच्छा, यहाँ पर 20, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 23 पेयर, इसका मतलब युग्मित। ये कैसी कोशिकाएं हैं, ये युग्मित कोशिकाएं हैं, ये डिप्लॉइड सेल हैं, डिप्लॉइड सेल। और ये कैसी हैं, अयुग्मित, अयुग्मित कोशिका, और इसको बोल सकते हैं हम लोग हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड। क्वेश्चन बन सकता है कि ह्यूमन बॉडी में हैप्लॉइड सेल कौन सी हैं, तो शुक्राणु तो मेल में है, और मतलब स्पर्म प्रेजेंट इन मेल एंड ओव्यूल प्रेजेंट इन फीमेल, ये दोनों ही हैप्लॉइड प्रकार की कोशिकाएं हैं। ये बनती कहाँ पर है आप लोग जानते हैं, स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिस में, ये ओव्यूल कहाँ बनता है, ओवरी में, ये बनता है वृषण कोश में, और ओव्यूल बनता है अंडाशय में, जिसको ओवरी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो कायिक कोशिकाएं हैं इसके क्रोमोसोम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2N, जनरली बार बार 46 लिखें या 23 पेयर लिखें तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं 2 × N, मतलब डिप्लॉइड सेल है, और इसको हम लोग लिख देते हैं सिंपल N, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो विभाजन होगा वो विभाजन का नाम क्या है और उसकी प्रोसेस क्या है। देखिए, हमको बहुत ज़्यादा डीप में या कोर बायोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, हमको वो पॉइंट डिटेल में समझने हैं जिस पर एग्ज़ाम, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि सोमेटिक सेल में जो डिवीज़न है, जो सेल डिवीज़न है, जो कोशिका विभाजन है, उसका नाम है, उसका नाम है माइटोसिस, माइटोसिस। थोड़ा ध्यान देना, यहां पर नाम है ए माइटोसिस और यहां पर क्या है, माइटोसिस। इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। सूत्र का मतलब यहां पर क्रोमोसोम से है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको भी डिटेल में। इसका मतलब क्या है कि सोमेटिक कोशिका में, चलिए अब मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, माइटोसिस को बोलते हैं समसूत्री विभाजन, और यहां पर होता है मियोसिस, मियोसिस इसको बोलते हैं अर्ध सूत्री विभाजन, इसको बोलेंगे अर्ध सूत्री विभाजन। समसूत्री का मतलब है कि जब एक कोशिका विभाजित होकर दूसरी कोशिका बनाएगी। अब मैं थोड़ा सा एक टर्मिनोलॉजी और क्लियर करता हूं, एक कोशिका विभाजित होकर जब दो कोशिका बनाती है तो जो कोशिकाएं बनी हैं उनको बोलते हैं डॉटर सेल, संतान कोशिका, और जो कोशिका डिवाइड हुई है उसको बोलते हैं पेरेंट सेल, या उसको बोलते हैं मातृ कोशिका। तो मातृ कोशिका डिवाइड होकर क्या बनाती है, संतान कोशिका। सोमेटिक सेल में कितने क्रोमोसोम हैं, 46, और वी कैन से 2N। जब ये कोशिका विभाजित होगी तो दो नई डॉटर सेल्स बनेंगी, इन दोनों में भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, 2N। इसका मतलब क्रोमोसोम की संख्या क्या है, बराबर है, इसीलिए इस विभाजन को क्या बोला है, समसूत्री विभाजन, ठीक है। और ये होता कैसे है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, उसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। अब यहाँ आ जाइए मियोसिस में, मियोसिस में क्या है, देखिए कि ये जो स्पर्म है ये बनता है टेस्टिस में, वृषण में, वहां पर कोशिकाएं पाई जाती हैं लेडिक सेल, आपने पढ़ा होगा, हमने जब हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ा था वहां पे मैंने आपको बताया था। तो लेडिक प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो प्रोड्यूस करती हैं टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन प्रमोट करता है स्पर्म के फर्टिलाइजेशन
फॉर्मेशन को, ठीक है। अब ये जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो इनमें एक प्रकार का विभाजन होगा, इसको बोलते हैं मेयोसिस। और मेयोसिस भी दो प्रकार का है, मेयोसिस फर्स्ट एंड मेयोसिस सेकेंड, ठीक है। तो ये जो मेयोसिस फर्स्ट है उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, और पहले थे ये 2n, लेकिन जब मेयोसिस फर्स्ट हो गया तो इनमें संख्या रह गई केवल n, चाहे वो शुक्राणु हो चाहे वो अंडाणु हो, इसीलिए इसको क्या बोला, अर्धसूत्री विभाजन। अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं, माइटोसिस को और मेयोसिस। स्टूडेंट्स, हम लोग यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो सोमेटिक सेल्स हैं उसके डिवीजन को, मतलब हम लोग माइटोसिस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आपको कि किसी भी कोशिका का विभाजन होना और एक से अधिक कोशिकाओं में टूट जाना, जैसे एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बना रही है, दो कोशिकाएं फिर विभाजित होकर चार कोशिकाएं बना रही हैं, इस पूरे चक्र को बोलते हैं सेल साइकिल या कोशिका चक्र। अब हम लोग कोशिका के जीवन को, पूरे साइकिल को दो भागों में बांट सकते हैं। वो दो भाग क्या हैं, देखो कि एक तो वो भाग जिसमें कोशिका डिवाइड नहीं हो रही है और एक वो भाग जिसमें कोशिका डिवाइड हो रही है। तो देखिए, मैंने एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर बनाया है इसी को समझाने के लिए। ऐसे समझिए कि हमारी कोशिका अभी इस फेज में है, मतलब इंटरफेज, इसको बोलते हैं इंटरफेज। ऐसे समझिए, एक कोशिका है हमारी, वो अभी विभाजित नहीं हो रही है, आफ्टर सम टाइम ये विभाजित हुई, फिर इसने रेस्ट किया, फिर विभाजित हुई। मतलब क्या हुआ कि विभाजन विभाजन के बीच में, मतलब डिवीजन फेज के बीच में जो एक रेस्टिंग स्टेज आती है उसको बोलते हैं इंटरफेज। कोई भी सेल लगातार डिवाइड नहीं होती है, मतलब कंटिन्यूसली विभाजित होती नहीं रहती है, वो बीच में रेस्ट लेती है। ऐसे समझिए कि कोई भी कोशिका विभाजित होने से पहले अपनी प्रिपरेशन करती है। अपनी प्रिपरेशन कैसे करेगी, जैसे एक कोशिका से दो कोशिकाओं को बनना है तो कोशिका का आकार भी कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, ये सब क्या होने चाहिए, ये दुगने दुगने अमाउंट में होने चाहिए, तभी तो एक कोशिका दो कोशिकाओं में टूटेगी और दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिल पाएगा। तो हमने पूरी सेल की लाइफ को दो स्टेज में, दो फेज में बांट दिया, एक रेस्टिंग फेज और एक डिवीजन फेज। तो जो रेस्टिंग फेज है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेज, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेज, ठीक है। या ऐसे बोल दीजिए कि दो डिवीजन फेज के बीच में जो रेस्टिंग स्टेज है उसी को इंटरफेज बोलते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। मतलब इस फेज में जो सेल है वो प्रिपरेशन करती है टू स्टार्ट डिवाइड, डिवाइड होने के लिए, डिवीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए कोशिका इस फेज में अपने को तैयार करती है, इसीलिए इसको प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। और मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव फेज है ये। मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब कोशिका के अंदर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर चलता है, कोशिका बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, इस सब की मात्रा को दोगुना कर लेती है, तो इसीलिए मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज है। ये क्वेश्चन बन चुका है, ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं कि भाई कोशिका विभाजित हो रही है तो वो ज़्यादा एक्टिव फेज होना चाहिए। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल राइट होइए यहाँ पर कि जब कोशिका तैयारी कर रही है तब कोशिका ज़्यादा एक्टिव है, जब डिवाइड होने की प्रिपरेशन फेज में है तब वो ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज में है। तो आप समझिए, हमने इस रेस्टिंग फेज को भी तीन सब फेज में बांट दिया है। वो तीन सब फेज क्या है, देखिए हमारे पास मैंने पहले लिखा है जीवन फेज, जीवन फेज, या इसको बोलते हैं गैप वन। गैप वन का मतलब क्या है, देखो जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई कोशिका अभी डिवाइड हुई है, तो डिवाइड होने के जस्ट बाद का जो फेज है इसको हम लोग बोलेंगे जीवन फेज, या क्या बोल सकते हैं, पोस्ट डिवाइड या पोस्ट डिवीजन फेज। अच्छा, ये जो डिवीजन फेज है इसको हम लोग सिंपल माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, माइटोटिक फेज। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीवन फेज को, ये है पोस्ट माइटोटिक, माइटोटिक फेज, ठीक है, पोस्ट माइटोटिक फेज। इसमें क्या होगा, इसमें यहां पर कार्बोहाइड्रेट, फैट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और जो न्यूक्लियस है उसका साइज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस साइज इंक्रीजेस, ठीक। अब देखिए, और ये सबसे लंबा वाला पोर्शन है, मतलब कोशिका सबसे ज्यादा समय यही बताती है, लॉन्ग लास्टिंग,
लॉन्ग लास्टिंग फेज। एंड देखिए, अगर हम लोग ऐसे देखें कि कोशिका के जीवन को दो फेज में बांटा है, एक तो डिवीजन फेज और एक रेस्टिंग फेज, तो रेस्टिंग फेज ज़्यादा बड़ा है, लेकिन रेस्टिंग फेज में भी कौन सा फेज, जीवन फेज सबसे बड़ा है। अच्छा, फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एस फेज। एस का मतलब होता है सिंथेटिक। एस का मतलब क्या है? सिंथेटिक। इस फेज में, सिंथेटिक फेज में डीएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए का फॉर्मेशन। आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, उसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए पाए जाते हैं। तो डीएनए फॉर्मेशन किस में हो रहा है? एस फेज में हो रहा है, डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लियोसाइज बढ़ रहा है, यहाँ पर डीएनए फॉर्मेशन और प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है सिंथेटिक फेज में। अब हम लोग आते हैं जी टू फेज में क्या होगा। देखिए, यहाँ पर आरएनए का सिंथेसिस होता है, आरएनए सिंथेसिस। अब एक पॉइंट थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर, कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस के अंदर डीएनए, हिस्टोन और आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए की जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है, प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ गई, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या में कोई फर्क नहीं है। क्रोमोसोम अभी भी कितने होंगे? 23 पेयर, मतलब 46 क्रोमोसोम होंगे। ऐसा नहीं है कि डीएनए बढ़ जाने से क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाएगी। डीएनए की संख्या क्यों बढ़ी है? क्योंकि एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बननी है? दो कोशिकाएं बननी है, तो सारा मटेरियल क्या होना चाहिए? डबल डबल होना चाहिए, ठीक है। तो जी टू फेज में आरएनए सिंथेसिस हो गया है, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया इंटरफेज, ठीक है। अब ये जो डिवीजन फेज है, इसको देखते हैं हम लोग, डिवीजन फेज। अब कोशिका जो है पूरी तैयार हो चुकी है डिवाइड होने के लिए, तो हम लोग डिवीजन फेज को भी दो भागों में बांट लेते हैं। एक फेज है कैरियोकाइनोसिस, कैरियोकाइनेसिस, इसका मतलब है केंद्रक विखंडन या केंद्रक विभाजन। मतलब किसी भी कोशिका का जब विभाजन होता है तो सबसे पहले उसका केंद्रक जो है, न्यूक्लियस है, वो डिवाइड होना शुरू होता है, कैरियोकाइनेसिस। और उसके बाद फिर शुरू होता है साइटोकाइनेसिस, इसको बोलते हैं जीव द्रव्य विभाजन, जीव द्रव्य विभाजन। अब समझिए, ये जो, जैसे मैं एक आपको कोशिका बना के दिखाऊं, ये हमारी कोशिका है, और कोशिका के अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? ये डीएनए है। इस तरह से डीएनए पड़ा रहता है, डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है, ये सब है। न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो गया है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन का साइज बड़ा हो गया है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होगा, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो एक कोशिका में कितने न्यूक्लियस हो गए? दो। अब ये साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा, और साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो एक कोशिका के पास एक न्यूक्लियस, पूरा साइटोप्लाज्म, दूसरी कोशिका के पास न्यूक्लियस और पूरा साइटोप्लाज्म, तो एक कोशिका दो कोशिकाओं में बट जाती है। अब एक पॉइंट समझिए, ये जो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है यहाँ पर, ये जो कैरियोकाइनेसिस हुई है, हालांकि इसकी डिटेलिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, पूरा ज़्यादा डायग्राम बना के कोई नहीं पूछने वाला, 1-1 मार्क्स से बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम लोग इसको डिटेल में नहीं पढ़ें तो हम लोग बहुत जल्दी इसको भूल जाएंगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल कर रहा हूँ। नहीं तो आप लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो उसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको सेल डिवीजन में से मिलेगा। तो अभी के लिए हम लोग ये देखते हैं कि कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक विभाजन में भी फिर चार स्टेप्स आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कैसे फेज हैं, क्या क्या होता है उसमें, अभी देखते हैं उसको। हम लोग अब पढ़ते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है? देखिए कि जब कोई कोशिका विभाजित होती है, डिवीजन फेज में आती है, तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस मतलब केंद्रक विभाजित होता है, फिर उसके बाद उसका जीव द्रव्य विभाजित होता है। तो जब ये केंद्रक विभाजित होता है, उस फेज में मतलब केंद्रक विभाजित होने वाली स्टेज में चार स्टेज आती हैं। पहली आती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और ये टीलोफेज। देखिए ओवरऑल क्या होता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मान लीजिए ये आपके पास एक कोशिका है और ये आपके पास केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर पड़े हुए हैं क्रोमोसोम। मैं क्रोमोसोम को ऐसे एक्स से दिखा देता हूँ, ये एक्स बना के ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। एक लाइन
ये दो लाइन है, इसका मतलब ये पेयर्ड क्रोमोजोम में हमेशा पेयर होते हैं, तो टोटल यहाँ पे कितने क्रोमोजोम हैं, 1, 2, 3, 4, मतलब टू पेयर क्रोमोजोम की बात कर रहा हूँ मैं, 2n क्रोमोजोम की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। अब देखिए, जब हम लोग कोशिका की संरचना पढ़ रहे थे तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जुड़ी रहती है जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम, ठीक है। तो ये जो प्रोफेज स्टेज है, इस प्रोफेज स्टेज में सेंट्रोसोम अपोजिट पोल्स में जाके अटैच हो जाता है, एक तो यहाँ पर है, इसी में से छोटा सा पार्ट निकलकर कहाँ पहुँच जाएगा, अपोजिटली यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दो सेंट्रियोल हो गए, दो सेंट्रोसोम हो गए, ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम हैं ये विजिबल नहीं है, क्योंकि डीएनए, भाई क्रोमोसोम किससे बन मिलकर बने हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन। जब ये डीएनए और प्रोटीन का कंडेंसेशन होगा, जब ये और ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तभी हमको दिखाई देंगे। तो ये जो प्रोफेज वाला फेज है इसमें डीएनए का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, और इसका मतलब ये स्टार्ट होगा तो हमको विजिबल होना शुरू देगा। प्रोफेज के बाद जब ये मेटाफेज में पहुँचते हैं, तो मेटाफेज में क्या होता है, देखिए यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं, स्पिंडल फाइबर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाती है, देखिए ये फाइबर जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, और ये क्रोमोसोम अपने को इसी फाइबर के अलोंग एक्सिस पर अरेंज कर लेते हैं। और जैसे समझिए कि ये मेरे पास न्यूक्लियस है और जो क्रोमोसोम है इस न्यूक्लियस के बीच में जो धागे आ रहे हैं, जो रस्सी आ रही है, उनके बीच में फंस गए हैं। अब ये धागे क्या करेंगे, अपने को खींचेंगे, अपने को खींचेंगे तो ये जो क्रोमोसोम है ये बीच में से कट होंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये पेयर क्रोमोसोम है ये सिंगल हो जाएगा, ये पेयर पेयर, ये जितने भी पेयर क्रोमोसोम है ये क्या हो जाएंगे, ये सिंगल क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि चार इस वाले पोल पे पहुँचेंगे, चार इस वाले पोल पर पहुँचेंगे, ठीक। अब देखिए जो एनाफेज वाला फेज आएगा, एनाफेज वाला फेज ये सबसे छोटी स्टेज है, स्मॉलेस्ट। मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि वो डिटेल नहीं आएगी आपके यहाँ। प्रोफेज सबसे लंबी फेज है, एनाफेज सबसे छोटी फेज है, और टीलोफेज में आते आते ये सारे क्रोमोसोम और पूरा न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा और कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगी, ये आधा न्यूक्लियस इधर, आधा न्यूक्लियस इधर, ये क्रोमोसोम इधर और ये क्रोमोसोम इधर, इस तरह से पूरी स्टेज कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए, अगर मैं माइटोसिस को, समसूत्री विभाजन को बहुत छोटे तरीके से समझूं, आपको अगर ये समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमको क्लियर कट एक कॉन्सेप्ट बनाना है कि जैसे मेरे पास एक सोमेटिक सेल है, एक कायिक कोशिका है, कायिक कोशिका क्या है, जर्म सेल के अलावा जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सब कायिक कोशिकाएं हैं, ठीक। इसमें क्रोमोसोम कितने हैं, 46, मतलब 2n। जब ये कोशिका विभाजित होगी तो विभाजित होने से पहले क्या करेगी, प्रिपरेशन करेगी टू स्टार्ट डिवीजन फेज। डिवीजन फेज में जाने से पहले क्या करेगी, प्रिपरेशन करेगी। तो प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो मैंने इसको ऐसे ही दिखाया है, न्यूक्लियस का साइज बड़ा दिखाया है। क्रोमोसोम की संख्या अभी भी कितनी है, 2n है। ध्यान देना, डीएनए की मात्रा बढ़ती है लेकिन क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही रहती है। अब क्या होगा, अब सबसे पहले जब डिवीजन फेज, ये यहाँ से डिवीजन फेज स्टार्ट हुआ, तो डिवीजन फेज में सबसे पहले कौन सा फेज आता है, कैरियोकाइनेसिस। तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होता है चार फेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज सबसे बड़ी स्टेज है, एनाफेज सबसे छोटी स्टेज है, ठीक है। जब ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, तो यहाँ पर जैसे अभी ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, फिर क्या होगा, न्यूक्लियस यहाँ पहुँच गया, एक न्यूक्लियस यहाँ पहुँच गया, फिर ये सेल बीच में से डिवाइड हो जाएगी, आधा साइटोप्लाज्म अलग, आधा साइटोप्लाज्म अलग, तो मेरे को यहाँ पर कोशिकाएँ मिल गई। जितने क्रोमोसोम यहाँ पर थे उतने ही क्रोमोसोम यहाँ पर हैं, इसीलिए इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। अच्छा, अगर मैं जर्म सेल में बात करूं कि जर्म सेल में डिवीजन कैसे होगा, जिसको मियोसिस हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली वहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मियोसिस, मियोसिस, और इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी, आधी हो जाएगी। तो ये होता किस प्रकार की सेल में है, जर्म सेल में होता है, सेक्स सेल में होता है, जो मेल में स्पर्म है और फीमेल में ओव्यूल है या अंडाणु है। चलिए, यहाँ पे होता क्या, बेसिकली देखो कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ कोशिका है, ठीक है, ये है 2n। स्टार्टिंग में
जो हमारे स्पर्म बन रहे हैं जिस कोशिका से, वो कोशिका कैसी है? वो कोशिका डिप्लॉइड है, युग्मित है। और उस कोशिका से जब स्पर्म बनता है वो हैप्लॉइड हो जाता है। ठीक, तो ये जो हमारी कोशिका है कैसी है? 2N है, मतलब डिप्लॉइड सेल है। अब क्या होगा, जब इस कोशिका में विभाजन होगा तो ये कोशिका बन जाती है, ये कोशिका, इसको बोलते हैं देखो डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल। और ये वो सेल है जिससे, देखो अगर अगर ये मेल में है तो मेल में इसको क्या बोलेंगे? टेस्टिस, टेस्टिस की कोशिका। अगर ये फीमेल है तो फीमेल, फीमेल में क्या बोलेंगे? ओवरी की कोशिका। जब टेस्टिस में डिवीज़न होगा, उस डिवीज़न का नाम क्या है? मियोसिस। और मियोसिस भी दो प्रकार का है, तो इसको बोल रहे हैं मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट जब होगा, इसके कोशिका में जब डिवीज़न होगा, तो यहाँ पे जो कोशिका बनेगी उसमें आएंगे केवल एन एन क्रोमोसोम, जस्ट हाफ हो गए, इसीलिए इसको बोला है अर्धसूत्री विभाजन। क्रोमोसोम की संख्या कम हुई है इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, डिवीजन। चलिए अभी क्या होगा कि इन कोशिकाओं में फर्दर एक और विभाजन होगा जिसको बोलेंगे मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकंड बिल्कुल माइटोसिस की तरह है। यहाँ पर एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी और जितने क्रोमोसोम थे उतने ही क्रोमोसोम रहने वाले हैं। जैसे यहाँ इस कोशिका में कितने क्रोमोसोम हैं? एन। यहाँ पर भी एन, ये एन एन और ये एन। एक बार दोबारा से समझिए, ये मेरे पास एक पेरेंट सेल है, इसमें जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो ये दो कोशिकाएं बन जाएंगी और क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। फिर यही जो कोशिका बनी है, जो हैप्लॉइड सेल है, इनको क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड अयुग्मित कोशिका। जब इसमें मियोसिस सेकंड होगा तो ये एक कोशिका से दो कोशिका, ऐसे ये एक कोशिका से दो कोशिका। तो ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनी हैं? चार। जबकि माइटोसिस में क्या हो रहा था? देखो माइटोसिस में एक से दो, दो से चार। यहां पर क्या हो रहा है? एक से चार, चार से 16 ऐसे बनती है यहां पे। ठीक है, अच्छा ये जो मियोसिस प्रोसेस है, मियोसिस यहां पर भी वही चार फेज होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यहां पर भी वही होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बस क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट में उसको बोलेंगे प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। यहां पर प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है वो ये है, वो क्वेश्चन बना है पीसीएस प्रीलिम्स में, ये क्वेश्चन बना था कि मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट, इसमें फिर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैकीटीन और लास्ट में डाइकेनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन और डाइकेनेसिस। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में पांच फोर फिर स्टेप्स आते हैं जिसको मैंने क्रमवाइज लिखा है पीसीएस प्रीलिम्स में। ये क्वेश्चन बन चुका है कि ये जो स्टेप के नाम दे दिए गए और पूछ लिया गया ये किस डिवीजन का हिस्सा है। ठीक है, तो क्वेश्चंस बनते हैं इस पर, ऐसी बात नहीं है, हम लोग स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते हैं इसको। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं एनिमल्स में, ह्यूमंस में बताई हैं। अब कुछ विभाजन हमारे प्लांट्स में भी होता है। आप लोग देखते हैं एक पौधा छोटा है और छोटे से वो पौधा बड़ा हो गया, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है आपको कि प्लांट्स में सभी कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं। हमारे अंदर क्या होता है, हमारे ह्यूमंस में तंत्रिका कोशिका को छोड़कर सभी कोशिकाएं विभाजित होती हैं। मैंने आपको क्लियर किया था, क्योंकि तंत्रिका कोशिका में वो सेंट्रोसोम और वो सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, उसको छोड़कर सभी कोशिकाएं विभाजित होती हैं। लेकिन प्लांट्स में केवल वही कोशिकाएं विभाजित होती हैं जो, जैसे तना है, तने की जो टॉप है उसको बोलते हैं शूट टिप, एपिकल मेरी स्टेम, वहां पे कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका नाम है। तो जो तने की टॉप पे पाई जाएगी और जो जड़ के एकदम, जड़ का जो एकदम लास्ट वाला छोर होगा वहां पाई जाएगी,
और तने की जो गुलाई है, तने की जो गुलाई है वहां पर जो कोशिकाएं हैं वो बढ़ती हैं। हमारे प्लांट्स में सभी कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं, केवल टॉप पे जो कोशिकाएं और साइड में जो कोशिकाएं, जिनको मेरी स्टेम बोलते हैं। पादप में कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन इन प्लांट्स। मान लीजिए मेरे पास ये एक प्लांट है इस तरह से, और ये इसकी जड़ें हैं। तो इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं एपिकल, एपिकल मतलब टॉप। और यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसको बोलूँगा विभाज्य ऊतक, ये विभाजित होते हैं। और साइड में यहाँ पर ये पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो जड़ें हैं उनकी टिप पर पाए जाते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पौधा जो है लंबाई में बढ़ता है, गोलाई में बढ़ता है, और जड़ें उसकी बढ़ती हैं। अच्छा, पेड़ों में सभी कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो ये है कि मान लीजिए एक कोई पौधा है, पेड़ है, आप उसमें कोई बोर्ड टांग दीजिए, अपनी हाइट के बराबर उस पर ऐसे बोर्ड टांग दीजिए। आप लोग 5 साल बाद, 10 साल बाद देखेंगे तो वो बोर्ड वहीं का वहीं आपको लगा हुआ मिलेगा। मतलब पेड़ की लंबाई बढ़ी, अगर आप समझ रहे हैं कि पेड़ बड़ा है तो वो बोर्ड भी तो उसके साथ बढ़ना चाहिए था ऊपर, जैसे हम लोगों में होता है। हम लोग अब अपने अगर कान यहाँ पर छिड़वा लेते हैं तो समय के साथ साथ ये कान का जो छेद है वो ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। या हम लोग हाथ पे कुछ लिखवा लेते हैं, बचपन में लिखवाया यहाँ पर और बड़े होकर पहुँच जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारी सभी कोशिकाएं जो हैं बढ़ती हैं। लेकिन पेड़ पौधों के साथ में क्या है कि वो केवल ऊपर से, नीचे से और साइड से बढ़ते हैं। ठीक है, तो उस ऊतक का नाम क्या है? एपिकल मेरिस्टेम या विभाज्य ऊतक। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, दैट इज साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल। इसके पार्ट वन में हम लोगों ने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा है, और पार्ट टू में ये हम लोगों ने सेल डिवीजन पढ़ा है। इसमें जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को डिस्कस किए हैं। इससे एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी लेवल तक, इस पर कोई क्वेश्चन इससे एक्स्ट्रा नहीं बनने वाला है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बेधड़क आप लोग इन नोट्स को, इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।